हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुगर स्टाइल बाय प्रियंका। और आप सब लोग कैसे हो? बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की बिकॉज़ मैं बिज़ी थी, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी फुल वीडियो के लिए। बट अब जाके वो ठीक हुई है तो मैं अब फ्री हुई हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ, सो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, मेकअप वीडियो ऑफ कोर्स। और मैं उस मेकअप वीडियो में आज कुछ नया करने वाली हूँ जो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया पहले। तो मैं आज करने वाली हूँ बंगाली मेकअप लुक। तो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया बंगाली मेकअप लुक। और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ब्राइडल मेकअप लुक बोल सकते हैं इसको, बिकॉज़ वो लोग अपनी बड़ी बड़ी आँखें कर लेते हैं, कुछ कुछ तो लगाते हैं इधर, उसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर आई डोंट नो। इस वीडियो के लास्ट तक मैं पता लगा लूँगी उसको बोलते क्या हैं, बिकॉज़ मैं नेट पर देख लूँगी ऑफ़ कोर्स गूगल। उनका चंदन और कुमकुम डिज़ाइन होता है जो रेड, वो मैं करने वाली हूँ, वो फर्स्ट टाइम मैं करूँगी। बहुत मुश्किल होने वाली है बट लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैं करने वाली हूँ, मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ बिकॉज़ सेम ही स्किन केयर है मेरा, बार बार क्या मैं आप लोगों को दिखाऊँ, बिकॉज और तो क्या स्किन केयर होगा, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम, विटामिन सी, यही होते हैं बेसिक। और बस मैंने अपना ऑलरेडी स्किन केयर कर लिया है तो फर्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्ट्रॉब क्रीम। मुझे गिफ्ट में मिला था बिकॉज़ मैंने कुछ तो लिया होगा, तो ये भी मुझे लिया बहुत टाइम हो गया और मुझे अचानक से एक दिन मेरे मेकअप में छोटी सी साइड में पड़ी हुई मिली कि ये भी थी, ये भी था कुछ, और ये मैंने लिया, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मैंने सोचा कि आज के मेकअप में मैं यूज़ करूं। सो मैं डैब डैब करती हुई लगाती हूँ, इससे बहुत अच्छा शाइन आ जाता है फेस पे। मेरे पास और इसका बड़ा भी रखा हुआ था बट वो ख़त्म हो गया है, तो मैं ये छुटकू छुटकू का यूज़ कर रही हूँ। मेरा स्ट्रॉब क्रीम लग गया है, अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है मेरा फेस। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा रेवोल्यूशन का पोर ब्लर प्राइमर। एज यू ऑल नो कि मुझे यहाँ पे पोर्स है तो सिर्फ उसके लिए, बट मैं एकदम से नहीं लगाती, थोड़ी देर वेट करती हूँ मैं स्ट्रॉब क्रीम का सेटल होने का। इसको मैं ले लेती हूँ अपनी फिंगर्स पे। मैं स्ट्रॉब क्रीम के ऊपर ही लगा रही हूँ प्राइमर, उसके बाद नहीं लगा रही, चलेगा। मैं चला लेती हूँ सब कुछ, ज़्यादा लोड नहीं लेनी चाहिए लाइफ में कि ये पहले लगता कि ये बाद में लगता, रिलैक्स। मेरा प्राइमर लग गया है तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं आईज़ करूँ कि पहले मैं बेस करूँ। मैं फर्स्ट मैं अब बेस कर लेती हूँ पहले, फिर मैं अपना आई मेकअप शुरू करूँगी। बेस हो जाएगा तो एक सिक्योरिटी रहेगी, हो गया। तो मैं ऑफ कैमरा बेस कर लेती हूँ अपना, ताकि सेम प्रोसीजर आपको देखना नहीं पड़े। और मैं वही अपना ये क्रायलॉन का टब और ये पैक का फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। हाँ, इसका शेड है 3.3, ठीक है। और अब मैं ऑफ कैमरा अपना बेस करके आती हूँ। सो गाइज, मेरा बेस मेकअप हो गया है और इसको अभी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक मैं अपना आई मेकअप शुरू करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा रेवोल्यूशन का पैलेट। और ये बंगाली लुक के हिसाब से ये बहुत अच्छा पैलेट है, सारे कलर्स जो है इसके वो इस मेकअप लुक में बहुत अच्छे से सूट होंगे। तो मैं ये मेरा न्यू पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। और अभी मैंने अपने मेकअप को पाउडर से सेट नहीं किया है क्योंकि अभी ये निकलेगा, बिकॉज मैं आई मेकअप करूँगी। तो मैं अपना पिज़्ज़ा पफ यूज़ कर रही हूँ ताकि फिंगर से मेरा मेकअप ख़राब नहीं हो। सो गाइज, दिस इज़ माई इंस्पिरेशन, मैं ये वाला आई मेकअप करने वाली हूँ। ये अच्छा लगेगा नहीं, ऑरेंज, थोड़ा येलो, थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा ब्राउन। मैं ये वाला मेकअप करती हूँ। फर्स्ट मैं यूज़ करती हूँ अपना ट्रांजिशन शेड, जो मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ, दिस वन।
और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे राउंड 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 आप ऐसे ब्लेंड करो अपने मेकअप को। सेम ही शेड मैं अपने दूसरी आँख पे करने वाली हूँ, बिकॉज मैं साथ में ये दोनों साथ में आईज मेकअप कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज, मेरी अभी मेरे भाई की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, और ऑफ कोर्स मैं अपना मेकअप खुद ही करूँगी, तो मैं आपके साथ वो मेरा मेकअप लुक भी शेयर करूँगी बहुत जल्द, बिकॉज बहुत मज़ा आएगा। नहीं, ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं अपने किसी खास की शादी में खुद से मेकअप करूँ, बिकॉज पहले तो आता ही नहीं था, तो पार्लर जाके मुआ से मेकअप कराते थे, तो अब हम हमारे लिए खुद ही मुआ हैं, तो अब मैं खुद करने वाली हूँ। तो मेरा ब्राउन शेड हो चुका है, और अब मैं अपने इनर कॉर्नर पे ब्लैक कलर प्लेस करने वाली हूँ, बहुत कम कम। मैं छोटू सा ब्रश ले रही हूँ और ये ब्लैक कलर मैं ले रही हूँ, और अपने इधर इस एरिए पे मैं प्लेस करने वाली हूँ, तो बहुत कम कम कलर लेके, और मुझे थोड़ा हल्का फुल्का डैबिंग मोशन में। ब्लैक कलर के साथ आप ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको कम कम लेके बिल्डअप करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लैक शेडो आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। मैं बहुत लेस क्वांटिटी लेके और फिर ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंडेडली आपको ये ब्लेंड करना है, ट्रांजिशन आ जाए और आपका मेकअप भी अच्छा लगे, क्योंकि ब्लैक ही ऐसा शेड है मेकअप में जो आपका मेकअप बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत गंदा भी कर सकता है। सो बी केयरफुल, क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर, बी केयरफुल। सो गाइस, पता है पहले मैं बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, मतलब इतना मैं कंफर्टेबली बोल ही नहीं सकती थी, या मेरे से बोला ही नहीं जाता था। अब धीरे धीरे करके मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, अब मैं बोल भी पा रही हूँ, खुद को सुन भी पा रही हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया में सच में बहुत पावर है, इंसान को बदल देता है। अब वो किस तरीके से बदलता है वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि घर में बातें करना और एक कैमरे के सामने बात करने में बहुत फ़र्क होता है। और लास्ट में मैं ये क्लीन कर दूंगी जो भी एक्सेस बाहर आया है, एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर दूंगी, ताकि वो क्रीज ना दिखे। सी, वो आपस में ब्लेंड हो गया है और वो अजीब भी नहीं लग रहा। सो गाइज, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ दिस ऑरेंज शेड, तो मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको अपने आईलिड पे फिल करने वाली हूँ। नाइस, ओके। सो गाइज, अब मैं येलो शेड अपने इनर कॉर्नर पे फिल करने वाली हूँ। सो गाइज, मेरा आई मेकअप हो गया है, अपना एक्सेस आई शेडो फॉल आउट हो गया है, उसको मैं क्लीन करती हूँ। सो अब मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का लाइनर, मैंने वाटर लाइन पे मस्कारा लगाया, वहां से शुरू कर रही हूँ, बिकॉज ये बंगाली लुक है और बंगालीज में लाइनर बहुत अच्छे से लगाते हैं। सो गाइज, मेरा लाइनर लग गया है,
तो मैं इस साइज़ का भी लाइनर लगा के मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने ऑफ कैमरा लाइनर लगा लिया है और अब मैं बेस मेकअप फिर से करूँगी बिकॉज वो निकल गया है। मेरा बेस ऑलमोस्ट होने वाला है, हो गया है, और इसके बाद फिर मैं अब कंसीलर यूज़ करूँगी। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर, फुल वेयर इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ कांच में देख कर, ताकि मेकअप स्पॉइल ना हो। और जितना भी एक्सेस बाहर आया था लाइनर से वो और अच्छे से सेटल हो जाएगा। कंसीलर भी हो गया है, अब मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपना फेस सेट करने के लिए। तो मैं अब मैं फिल करने वाली हूँ अपने ब्राउज़। सो मैं पैक का ब्राउ पोमेड यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं अपने ब्राउज़ को कॉम कर लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। मेरा आईब्रोज भी नहीं बने हुए, बट कोई बात नहीं, इसी में मैनेज करना पड़ेगा मुझे। पता नहीं, समटाइम्स कैमरे की लाइट इतनी होती है ना, मतलब रिंग लाइट की लाइट इतनी लगती है कि पता ही नहीं चलता मेकअप कैसा हो रहा है। तो मुझे नहीं पता, मुझे सच में लाइट इतनी आ रही है कि मुझे दिख ही नहीं रहा कि मेरे आँख में अब हो क्या रहा है। सो अब मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। सो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा कलर बार का जूम वोश मस्कारा। और अब जितना भी एक्स्ट्रा मस्कारा है वो मैं इस ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूंगी, तो एकदम इवन लुक आता है लैशेस का। और ये नॉर्मल कॉम नहीं है, इसमें ये निडल वाला है, वो राउंड वाले भी आते हैं बट मेरे पास यही है। उस टाइम मुझे 1000 रुपये मस्कारा से ज़्यादा एप्लीकेटर को जो क्लीन करता है मस्कारा को, वो उस टाइम मुझे बहुत महंगा लग रहा था। और आज से 2 साल पहले मैंने ये ख़रीद लिया था। तो मस्कारा हो गया है, अपना पैक का यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जर कॉम्पैक्ट। और मैं बहुत ही अच्छे से अपने फेस को ब्रॉन्ज करती हूँ। और अब मैं नोज़ भी कर लेती हूँ। और अब मैं कंसीलर की हेल्प से थोड़ा उसको क्लीन कर लेती हूँ। ताकि मेरी नोज़ बहुत शार्प लगे। तो गाइज, मेरा ये हो गया है ब्रॉन्जिंग। और अब मैं अपने चीक्स को रेड करने वाली हूँ। यस, यू हर्ड इट राइट, रेड। मैं रेड ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ मैं ये यूज़ करूँ टिंट या मेरी लिपस्टिक यूज़ करूँ। सो मैं सोच रही हूँ मैं ये बेला वीटा ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक टिंट यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इस ब्रश की हेल्प से ये बेला वीटा का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, टिंट यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत पिगमेंटेड है, सो मैं बहुत केयरफुली इसको यूज़ करूँगी। ऑफ कोर्स फर्स्ट नोज़, दिस इज़ माय प्रायोरिटी। देन मैं अपने चीक्स को,
इन केस अगर मुझे लगता है ज़्यादा हो गया तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा कम भी कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें एक्सेस प्रोडक्ट लगा हुआ रहता है। तो और इसका प्राइस है 200 रुपये का ये दिखा रहा है, बट मुझे 150 में पड़ा था, तो 150 का ये टेंट है। और ये काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश है इसका और बहुत पिगमेंटेड भी है। यस, सो ऑफ कोर्स मैं अपने रेड लिप्स करने वाली हूँ, बिकॉज़ मोस्टली बंगाली मेकअप में रेड लिप्स ही होते हैं, तो मैं रेड लिप्स करने वाली हूँ। सो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर इन द शेड रेड। शेड सब मिट चुका है, सब मिट चुका है। तो यस, सो मैंने लिप लाइनर यूज़ कर ली है और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ निक्स का ये लिपस्टिक। इसका शेड है मोंटी कार्लो करके, इसका शेड है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत, इसकी लिपस्टिक बहुत ही प्यारी आती है निक्स की, ये वाली। अब मैं इसके ऊपर मेरी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैक की रूबी वू। सो मैंने लिपस्टिक लगा ली है, तो ये मुझे थोड़ी ग्लॉसी लग रही है, तो मैं अब टिश्यू से उसको थोड़ा और मैट कर दूंगी। सी कितना प्यारा स्टैम्प आया है। तो इनडायरेक्टली मैं अपने लिप्स की तारीफ कर रही हूँ, इसका मतलब वही था। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल शेड गाइज। और मैं थोड़ा सा इसको लेके अपने चिक्स पे फिर से लगाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अब मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप कर देती हूँ। सी सटल अपने आप हो गया। मैं अपना मेकअप कॉम्पैक्ट पाउडर लेके इतना भी एक्सेस उसको शार्पन अप कर देती हूँ मेकअप को, ताकि वो ब्राइट लगे। और यहाँ मेकअप डन नहीं हुआ है गाइस, अभी तो मेरा सबसे मेन काम बाकी है, चंदन और कुमकुम का डिज़ाइन। मैं काजल लगा रही हूँ, बंगाली मेकअप में बहुत मैटर करता है काली काली आंखें। इतनी ऑर्गेनाइज लड़की हूँ, इतनी ऑर्गेनाइज लड़की हूँ, बट मैं ये जब मैं वीडियो शूट करती हूँ मैं इतनी मेस्ड अप हो जाती हूँ, मैं सब कुछ फैला देती हूँ, पता नहीं क्यों। सेम मैं मैबलिन का काजल यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने काजल फिल कर लिया है, थोड़ा गैप इसलिए छोड़ती हूँ बिकॉज़ मेरी छोटी छोटी आँखें हैं और मैं नहीं चाहती वो और छोटी हो जाए एकदम बादाम जैसी, तो मैं ये गैप छोड़ देती हूँ। इससे बहुत बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लगती मेरी आईज़। सो गाइज, अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा नेल आर्ट का ये टूल डिज़ाइन के लिए, और मेरे पास ये कैमल का एक्रेलिक कलर है, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। और रेड कुमकुम भी नहीं है मेरे पास, तो मैं रेड लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। तो ये, और ये मेरी फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक है, ये मेरी नेक्स्ट की लिपस्टिक है, तो मैं ये दो लिपस्टिक मिक्स करके या फिर जो भी अच्छा लगेगा वो, और ये वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्टेशनरी वाले ने बोला था कि ये चल जाएगा। सो लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं। सो मैं कुछ ऐसा पैटर्न सोच रही हूँ, सोच में ये रही हूँ, लेट्स सी कि वो होता है कि नहीं, और तो मुझसे होगा भी नहीं, यही करती हूँ। तो फर्स्ट मैं अपनी रेड बिंदी लगा लेती हूँ, गोल लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो मेरा रेड बिंदी हो गया है, और इतनी बड़ी बिंदी मैंने पहली बार लगाई है। अब मैं वाइट शुरू करती हूँ। इट्स टू टफ गाइज, इट्स टू टफ। ये बहुत ईजी दिख रहा है बट एक्चुअली है नहीं। अब मैं ये साइज़ बड़ा है, इस साइज़ का छोटा है, ये राउंड शेप मैं डिप कर रही हूँ।
और मैं अपने आईब्रोज के ऊपर लगाती हूँ। इट्स टू बिग ना, बहुत बड़ा हो गया ये, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। ओ मैं छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ। यस परफेक्ट। तो मैं अपनी पूरी आईब्रोज की शेप में दोनों तरफ फिल करती हूँ। सेम मैं इधर भी फॉलो करती हूँ। ओके ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस, आज से पहले मैंने कभी ऐसा करने का सोचा भी नहीं है। मेरा फोरहेड छोटा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूं। सेम मुझे इधर बनाने हैं। सो गाइस ये हो गया है और अब मुझे रेड डॉट्स बनाने हैं, तो मैं अब वो बनाती हूँ। एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से तो देखो नहीं होगा मुझसे, टू बी ऑनेस्ट, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और अब मैं रेड लिपस्टिक लेके डॉट्स बनाती हूँ। खूब भालो लागशे। देखो बंगाली मेकअप करो और बंगाली भी सीख जाओ। बस इससे क्लीन नहीं हो पाएगा। सो गाइज आई डिड इट मैक्स टू मैक्स, इससे अच्छा पेशेंसफुली आई कॉन्ट डू इट, आई कॉन्ट डू इट। सो अब मैं ऑल ओवर मेरे फुल गेटअप में आती हूँ और देन मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आप मुझे बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस लुक के पीछे, इसको क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी, सबसे ज़्यादा ये पैटर्न ड्रॉ करने में और ऑफकोर्स ज्वेलरी और ड्रेस अरेंज करने के लिए। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। और लैशेज़ मैंने ऑफ कैमरा लगा लिए थे, मैंने पहले लगाना भूल गई थी तो मैंने लैशेज़ लगा लिए। सो गाइज दिस इज़ माई ब्राइडल बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक एंड सच में गाइज खूब भालो लागे शे। सो मुझे ओवरऑल ये लुक क्रिएट करने में बहुत मज़ा आया और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ओवरऑल लुक ये कैसा लगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।